assertion and reasoning. Listen to me carefully. The first assertion is collider particles can be separated by centrifugation. Collider particles can be separated by centrifugation. पहले तो assertion ही देखो के लिए. हाँ जी, कैन बी, यस बेटे, जो टेक्निक करते हो आप सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को ही आप सेपरेट आउट करते हो, जिसमें आप ब्लड में सेल्स अलग करते हो प्लाज्मा से, या आप बटर को अलग करते हो मिल्क से, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही है. अब रीजन ये बोल रहे हैं, लिसन टू द रीजन केयरफुली, जस्ट आई एम स्पीकिंग, राइट डाउन इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज लिसन टू मी केयरफुली, दैट्स इट. समझो, अपने आप पेपर में कर लोगे. रीजन सुनो, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी ना आने, हमने चेंज कर देने हैं. इट इज सो बिकॉज व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्पन रैपिडली, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप. दिस वेरी मच ट्रू बेटे, जब भी आप किसी चीज को जोर जोर से घुमाते हो. आज घर पे मम्मा को बटर निकालते देखा है, तो बटर ऊपर फ्लोट करता है और वाटर जो हैवियर है वो नीचे बैठ जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन में यही है कि आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड से उसको सेंट्रीफ्यूग करते हो कि जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाए और जो लाइटर चीज है वो ऊपर आ जाए. नेक्स्ट बेटे, लिसन टू मी केयरफुली, डिस्टिलेशन असर्शन. डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. जो कह रहे हैं जी डिस्टिलेशन है, वो यूज करी जाती है सेपरेशन ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, दो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए. कौन से कॉम्पोनेंट? टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन. जो बॉयल कर, मिसिबल का मतलब है जो आपस में घुल जाए, ठीक है, that boil without decomposition. जब वो boil करते हैं, decomposition का मतलब है कि वो टूटते नहीं है. अगर आप ethanol को boil करो या water को boil करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो hydrogen और oxygen उसका अलग अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है. And have sufficient difference in their boiling point. और उनमें boiling point का difference है. Again I am saying, कह रहे जी डिस्टिलेशन उनके लिए यूज होती है जो टू मिसिबल लिक्विड हो, ठीक है. जब उन लिक्विड को गर्म किया जाता है, क्योंकि डीकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटे जिसमें टूट जाए. जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगी तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, मगर वाटर को गर्म करने से हमें वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होती है. इथेनॉल को गर्म करते हैं तो हमारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं हो जाते हैं, ठीक है. तो ये असर्शन बिल्कुल सही है. असर्शन इसलिए यूज, डिस्टिलेशन इसलिए यूज करी जाती है. डिस्टिलेशन में दो मिसिबल लिक्विड लिए जाते हैं, दो से तीन, ठीक है, उनको सेपरेट आउट किया जाता है इसी ही बेसिस पे. रीजन बोल रहे हैं, टू सेपरेट आउट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, the fractional distillation process is used. For example, separation of the different gases from air, different fraction of petroleum product. हाँ, very right, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटे. second में ये बोल रहे हैं कि अगर, ध्यान से सुनो वो क्या बोल रहे हैं, कि अगर दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, ठीक है, तो हम कौन सा डिस्टिलेशन ऑप्ट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जैसे कि जब हमने एयर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया, द बॉइलिंग पॉइंट वाज -183 -186 -196, तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस था वो ज्यादा नहीं था. अगर ए का 183 है तो ए का 186 है, तो 3 का ही फर्क है, ज्यादा तो नहीं है. अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस
लेस देन 25 से कम हो, चाहे वो सेंसियस है चाहे वो केल्विन, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या है, चाहे आप केल्विन में लो, अगर मैं एक बोल रही हूँ 273 केल्विन और एक बोल रही हूँ 283 केल्विन, तब भी डिफरेंस उतना ही आना है। अगर मैं 3 और 7 केल्विन बोलूंगी तब भी डिफरेंस उतना ही आना है, अब सेंसियस बोलूंगी तो समझ आ रही है। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ तो 273 केल्विन बोल रही हूँ, इतना पता है आपको स्केल्स का। अगर मैं 0 डिग्री बोल रही हूँ बेटे और 273 केल्विन इक्वल है, अगर यहाँ पे मैं 5 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 278। अब इन दोनों का डिफरेंस भी 5 आएगा, इन दोनों डिफरेंस भी 5 आएगा। क्या रॉन्ग हो जाएगा? हाँ कोई रॉन्ग नहीं, लेस, हाँ सेंसियस लिखा है, अगर डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस इज, ध्यान से समझना आपने, डिफरेंस चाहे 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं बोलूं इन दोनों में डिफरेंस है 25, अगर मैं बोलूं इन दोनों में डिफरेंस 5 सेल्सियस है तब भी उतना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 5 केल्विन तब भी उतना ही है। बात समझ आई? दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो आप, समझ आई? मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट ये है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ये है, दोनों मैंने केल्विन में बोल ली, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ 5 केल्विन, समझ आ गई? अगर ये 0 है ये 5 है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। हम अकेला टर्म नहीं यूज कर सकते, अकेला 5 केल्विन और 5 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली 5 केल्विन 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप 273 ऐड कर दोगे तब। बात समझ आ रही है? मगर डिफरेंस तो सेम होगा, तो फारेनहाइट पे पहुंच जा पहले बेटे। सी द टीचर स्टैंडिंग हियर ना टीचिंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, डोंट आस्क मी दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अगर मेरी नॉलेज जज करनी है मैंने आपकी जज करनी शुरू कर देनी है, और अगर मैंने शुरू कर दी ना जज करनी आप कहीं भी नहीं स्टैंड करना। ये आपकी आते हैं 2-3 बच्चों की इस क्लास में, 278 केल्विन 273 केल्विन, इन दोनों में डिफरेंस कितना है बेटे 5 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट में तो 5 ही है, सेम बॉइलिंग पॉइंट में तो 5 डिग्री ही है, डिफरेंस का टर्म अलग होती है, एक चीज की बोलना अलग होती है। समझ कुछ आई? अगर बोले बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज 25 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस तो 25 उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तब भी उन दोनों में डिफरेंस 25 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 25 सेल्सियस बोलूं और यहाँ पे मैं 100 सेल्सियस बोलूं तो इनमें डिफरेंस कितना आएगा 75 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो 25 प्लस 273 298, और ये कितना आया? ये कैसे प्लस कर, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? तो यहां पे भी 75 केल्विन ही आया, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 75 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 75 केल्विन, सेम नहीं आ रहा? बात समझ आई कुछ? बेटे ए का बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हम डिफरेंस देख रहे हैं,
मैं कहूँ वाटर सोप जीरो पे फ्रीज कर रहा है और सो पे बॉयल कर रहा है, तो डिफरेंस कितना है सो का? वही मैं बोलूँ 273 केल्विन पे बॉयल कर रहा है, 373 पे जो भी है, 273 पे फ्रीज कर रहा है, 273 पे बॉयल कर रहा है, तो डिफरेंस कितना हो? डिफरेंस तो दोनों में सो का ही है, अकेला डिफरेंस की टर्म देखनी है आपने, डिफरेंस लिखा होना चाहिए वर्ड, ये कंफ्यूज करते हैं पेपर में ऐसा। 20 डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस 25 केल्विन लिखा हो तो सेम चीज लिखी हुई है, क्योंकि वो डिफरेंस लिखा है दोनों में। इसको अगर आप सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हो तो डिफरेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा दो चीजों के बॉइलिंग पॉइंट में। ये 1000 मीटर की स्पीड पे भाग रहा है, ये 2000 मीटर की स्पीड पे भाग रहा है, अगर मैं इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो स्पीड तो उतनी रहेगी, डिफरेंस तो दोनों की स्पीड में उतना ही रहेगा, यूनिट चेंज हो गए तो। यूनिट चेंज कर दिया मीटर से किलोमीटर कर दिया तो स्पीड में तो उतनी ही स्पीड रही दोनों की, यूनिट चेंज करें बस, तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। ये 1 मीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, और ये 2 मीटर है, ये 200 सेंटीमीटर है, डिफरेंस चाहे 1 और 2 में देखो, चाहे 100 और 200 में देखो, डिफरेंस उतना ही रहना। बात होगी समझ? पेपर में ध्यान से पढ़ लेना इसको, आपने आंख सारा कुछ पढ़ के, कि डिफरेंस इट इज रिटन लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 25 केल्विन, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं करते, आप क्या यूज करते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या यूज करते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो रीजन एज अ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मगर जो असर्शन गिवन थी कि हम दो विसिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं, तो रीजन में ये बताना चाहिए था भी क्यों यूज करते हो। रीजन में ये नहीं बता रहे हैं ये क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन में ये बता रहे हैं अगर लेस देन 25 केल्विन होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो ये अलग से एक और स्टेटमेंट होगी जो करेक्ट है। हाँ बोथ आर करेक्ट, मगर आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सुनो, अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर है मेरे पास हल्दीराम का मिक्सचर है ना, तो कितने सब्सटेंस मिक्स है उसमें, क्या उसकी प्रोपोर्शन बिल्कुल ये रखी जाती है? नहीं, कभी किशमिश ज्यादा निकल जाती है, कभी काजू ज्यादा निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने नमक पानी में डाला है तो ये मिक्सचर है, चाहे वो मैं 1 स्पून डालूं चाहे वो 2 स्पून डालूं, मेरी मर्जी। तो इट इज इन एनी प्रोपोर्शन, हमने प्रोपोर्शन फिक्स नहीं करी, मेरा चाहे मैं एक जग लेके 1 चम्मच नमक डाल दूं तब भी मिक्सचर है, और अगर 1 ग्लास लेके उसमें 1 चम्मच नमक डाल दूं तब भी वो मिक्सचर ही है। मैंने वाटर की क्वांटिटी चाहे बढ़ा दी है, मतलब एनी प्रोपोर्शन कर दी है, मैंने ये नहीं लिया हमेशा मैं 1 ही ग्लास लूंगी तभी मिक्सचर होगा, मैं जग भी ले सकती हूँ तभी भी मिक्सचर है, मैं बकेट में भी 1 बकेट लेके 1 चम्मच नमक डाल दूंगी तभी भी वो मिक्सचर है। समझ आ रही है? तो मिक्सचर इज इन एनी प्रपोर्शन, जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स करते हैं, दैट इज इन एनी प्रपोर्शन। तो बिल्कुल सही है असर्शन दे आर गिविंग अस, बिल्कुल सही वाली रीजन दे आर गिविंग टू अस, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेटिंग टेक्निक। बिल्कुल सही है, जो मिक्सचर है उनको तो आप सेपरेट आउट कर सकते हो, जैसे कि नमक को मैं पानी से अलग कर सकती हूँ बाई वेपोरेशन, तो मुझे दो सब्सटेंस मिल जाएंगे सॉल्ट और वाटर, दैट इज अ रीजन। गेटिंग माई पॉइंट? तो रीजन बिल्कुल सही है, मगर अब मेंशन असर्शन की ये रीजन नहीं है। अब आगे पीछे आपका 2 o'clock टेस्ट जाता है, तो आगे अभी 4 बजे मैसेज आया था कि जो अब आई विल आस्क द टीचर एंड देन आई विल इन्फॉर्म यू आफ्टर।
चार वो भूल गए होंगे ना, जिनका 5 बजे टेस्ट जाता है उनके लिए 4 बजे टेस्ट था, जिनका जाते ही